विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं। एक के बाद एक नगर पालिका में काबिज अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो दौर शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर नैला नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आने वाले समय में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। भाजपा पार्षद का आरोप है कि भगवान दास गढ़ेवाल के कार्यकाल में शहर का समुचित विकास नहीं हुआ है। देखिए, नगर पालिका जांजगीर नैला में जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के भगवान दास गढ़ेवाल जो अध्यक्ष हैं, इनके जो चार साल के जो कुशासन, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी और नगर विकास को लेके इनके द्वारा जो लगातार लापरवाही की गई है, इसको लेकर आम जनमानस में ही अभी से सुगबुगाहट चालू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और निश्चित लाएंगे। एक भ्रष्टाचार रूपी सरकार लगातार पांव पसार रहे थे, उसको हम उखाड़ने में सफल हुए और जांजगीर नैला भी में अब हम प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बना चुके। हम जांजगीर नैला में भी चाहेंगे एक इंजन और जुड़ जाए इस विकास रूपी रथ में, ताकि हम जांजगीर के स्वच्छ और सुंदर जांजगीर की ओर परिलक्षित कर सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। ऊपर से हमें आदेश जैसे ही मिल रही है, हम यहाँ विश्वास प्रस्ताव जरूर लाएंगे। यहाँ जो अध्यक्ष हमारे बैठे हैं एकदम भ्रष्टाचार, जो एकाधिकार चला रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाएंगे।